नमस्कार दोस्तों, जैन स्टोन कैसे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दीपक मीना। दोस्तों, अधीनस्थ के लिए सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लेके आया हूं मैं 2011 आरपीएससी ने जो डिक्टेशन दिया था वो डिक्टेशन। ठीक है, 100 की स्पीड से डिक्टेशन रहेगा। रेडी स्टार्ट। किसी भी काम को व्यवस्था के साथ किया जाए तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं होती। यदि हमारे कामों में व्यवस्था की थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाए तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं होती और हम उन्नति नहीं कर सकते हैं। सभी बड़ी बड़ी संस्थाएं नियमानुसार ही चल रही हैं। बिना नियम और अनुशासन के न तो कोई व्यवसाय चल सकता है और न ही सामाजिक उन्नति ही की जा सकती है। क्या व्यापारी और क्या नेता सभी को नियम पूर्वक कार्य करने से ही सफलता प्राप्त होती है। व्यवसाय में तो विशेष तौर पर नियम तथा व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। बिना किसी दक्ष प्रबंधक की और अनियमितता दूर किए बिना व्यवसाय में सफलता प्राप्त करना असंभव है। किसी भी बड़े कारखाने को देख लीजिए, नियम पूर्वक काम करने पाने से ही वह उन्नत हो सकता है। यदि नहीं तो कोई भी और कितना ही जटिल व्यवसाय हो, व्यवस्था से ही सुचारू रूप से चल सकता है। कई अव्यवस्थित व्यक्ति यह सोचते हैं कि मुख्य लक्ष्य की ओर देखना ही आवश्यक है, संबंधित बातों की विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं। परंतु वास्तविकता यह है कि लक्ष्य से संबंधित छोटी छोटी बातों की व्यवस्था परमावश्यक है। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों को ध्यान में नहीं रखता, उससे यह आवश्यक कैसे आशा की जा सकती है कि वह बड़ी एवं जटिल बातों को संभाल लेगा। यदि छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान न दिया जाए तो सारा व्यवसाय ही चौपट हो जाएगा। यदि व्यवस्था न की जाए तो व्यक्तियों का बहुत सा समय और धन नष्ट हो जाए। उचित व्यवस्था करके ही शक्ति और समय की बचत की जा सकती है। नियम पर चलते रहने से समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। नियमित व्यक्ति अपनी वस्तुओं को इधर उधर नहीं फेंकते, बल्कि एक नियत स्थान पर रखते हैं। इससे उन्हें ढूंढने में समय या शक्ति नष्ट नहीं करनी पड़ती। इस प्रकार उनकी शक्ति और समय अन्य लाभप्रद कार्यों में लगते हैं। नियम पालन करते अर्थात व्यवस्था में रहने से ऐसी बुद्धि स्फूर्ति होती है जिसकी सहायता से बड़ा काम बहुत आसानी से हो सकते हैं। व्यवस्था के कारण नियमितता व्यक्ति थोड़े समय में इतना अधिक काम कर लेता है कि लोगों को आश्चर्य होने लगता है। व्यवस्थित होने के कारण उसे सफलता ही सफलता मिलती जाती है, जबकि अनियमित व्यक्ति असफल ही होता है। अतः यह आवश्यक है कि नियमों का पालन दृढ़ता पूर्वक किया जाए, तब उद्देश्य पूर्ण हो सकता है, अन्यथा नहीं। समाज की उन्नति भी नियम और अनुशासन पर ही आश्रित है। यदि नियमों के क्रम को समाप्त कर दिया जाए तो उन्नति रुक जाएगी। क्या साहित्य, क्या समाज और क्या धर्म, सभी की उन्नति नियमों को कड़ाई के साथ पालन करने के कारण ही हो सकती है। जिस साहित्य, समाज और जिस धर्म के नियमों का पालन
दृढ़ता से नहीं हो सका, वह साहित्य और समाज धर्म नष्ट हो गया। केवल दशा अंकों की व्यवस्था के आधार पर ही गणित में आशातीत उन्नति प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान समय की बड़ी से बड़ी मशीनें व्यवस्था के कारण ही सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। उनकी व्यवस्था के कुछ आधारभूत नियम हैं, उन्हीं के अनुसार वे अपना कार्य कर रही हैं। यदि उनके नियमों अथवा व्यवसाय में थोड़ी सी भी कमी हो जाए तो ढील दे दी जाए तो वे मशीनें काम करना बंद कर दे और वे सब बेकार ही पड़ी रह जाएंगी। नियम द्वारा कठिन से कठिन एवं पेचीदा काम भी सरल हो जाता है। आकाश की तारे तथा अन्य ग्रह कितनी व्यवस्था से और नियम पूर्वक अपनी अपनी मार्ग पर चल रहे हैं, इसमें तनिक सी भी गड़बड़ी नहीं हो पाती है। यदि हो जाए तो सारे संसार में प्रलय हो जाए और संसार खत्म समाप्त हो जाए। वैज्ञानिक लोग संसार के असंख्य पदार्थों को दूरबीन की सहायता से देखते रहते हैं और आवश्यकता के समय में उनके बारे में सब कुछ बता देते हैं। हम धर्म, राजनीतिक, व्यापार, शिक्षा, यात्रा और सरकार आदि की बातें करते हैं, पर हम यह भी जानते हैं कि इन बातों के बारे में हमने ज्ञान कैसे प्राप्त किया है और उसे नियमबद्ध करके पुस्तकों में लिपिबद्ध किया। इन सब के लिए नियमानुसार कार्य करना अपेक्षित रहा है। सफलता प्राप्त करने के लिए नियम पालन करने की अत्यंत आवश्यकता है। नियमों ने ही समाज, देश, राष्ट्र एवं संसार के लोगों को एक सूत्र में बांध रखा है। यद्यपि हमारे विचार, स्वार्थ तथा उद्देश्य भिन्न भिन्न हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि संसार में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो किसी नियम, व्यवस्था अथवा अनुशासन को नहीं मानते। कुछ लोग नियमों के आधार पर समाज को एकता के सूत्र में बांध देते हैं। विराम स्टॉप। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको दीपक मीना जैन स्टूडेंट क्लासेस के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां मिल जाएगी। ठीक है, सभी भाई बहनों को राम राम। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और करते रहें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। राम राम भाइयों।